हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बताया कि लास्ट वीडियो के अंदर अपन पर्सनली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 सॉल्व किया था। आज की वीडियो के अंदर अपन पर्सनली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अपने पास में क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, किसी एपी के चौथे 8वें पदों का योग 24 है तथा छठवें व 10वें पदों का योग कितना दे रखा है, 44 दे रखा है। एपी समांतर श्रेणी का अपने को 3 पद ज्ञात करने हैं। तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा करते हैं अपन। तो एपी का चौथा पद यानी कि A4 प्लस 8वां पद मतलब कि A8 इक्वल टू देर का कितना, इन दोनों का योग 24 देर का है। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दिया। इसके बाद में आगे बोल रहे हैं क्वेश्चन की छठवें पद, ये छठवें पद का मतलब है A6 प्लस, इसके बाद में 10वां पद मतलब A10, इन दोनों का योग कितना देर का है, 44 देर का है। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। अब आपको पता है दोस्तों An बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस N माइनस 1 D, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले से मैं A4 चौथा पद किस प्रकार से निकालूंगा, तो चौथे पद के स्थान पर क्या रख सकता हूं मैं, A4 इक्वल टू रख सकता हूं A1 प्लस 3D, क्योंकि मैं यदि N के स्थान पर 4 रखूंगा, 4 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 में 3 को D के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3D हो जाएगा। इसी प्रकार A8 बराबर मतलब A1 प्लस 7D रख सकता हूं मैं दोस्तों, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण नंबर 4। अब इन दोनों का योग करता हूं मैं, इन दोनों का यदि मैं योग करता हूँ क्योंकि यहाँ पर योग ही दे रखा है, तो यहाँ पर A1 और A1 कितना हो जाएगा, 2A1 प्लस 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10D। तो यहाँ से मैं इनके स्थान पर क्या रखता हूँ, A4 प्लस A8 इक्वल टू रख सकता हूँ मैं 2A1 प्लस 10D इक्वल टू 24। अब यहाँ पर देखो दो कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर, जो कॉमन आता है उसको अपन पकड़ के खींच लेते हैं बाहर। तो यहाँ पर क्या बचेगा, A1 प्लस यहाँ पर बच गया 5D। अब एक कॉमन था यहाँ पर 2 इक्वल टू 24। अब यहाँ से इस दो को ट्रांसफ़र करेंगे दूसरी तरफ, इसको यहाँ से भगा देंगे, तो A1 प्लस 5D इक्वल टू 24/2, तो यहाँ पर कितना बच गया, 12 बच गया, A1 प्लस 5D इक्वल टू 12। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 5। अब यहाँ पर ध्यान से देखो इस समीकरण को, आप समीकरण नंबर 5 को, इसके LHS साइड को देखो, LHS साइड में क्या दिख रहा है आपको, A1 प्लस 5D, A1 प्लस 5D, यहाँ से कोई आपको कुछ चीज़ दिखाई दे रही है क्या? तो यदि आप ध्यान से देखो तो A6 बराबर अपन क्या रख सकते हैं, A1 प्लस 5D रख सकते हैं। यदि मैं इनके स्थान पर 6 रखूँगा, 6 माइनस 1 कितना जाएगा, 5, 5 को सार्वांतर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5D हो जाएगा। तो A6 बराबर कितना आ रहा है, A1 प्लस 5D, तो यहाँ पर A1 प्लस 5D इक्वल टू कितना है, 12 है, तो यहाँ पर रख सकता हूँ मैं A6 बराबर 12, क्या रख सकता हूँ दोस्तों, A6 बराबर 12। अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगी A6 बराबर आ गया 12, तो अभी इस मान को अपन रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ रखेंगे अपन समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 में मान रखेंगे A6 का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 प्लस A10 इक्वल टू 44, तो A10 बराबर कितना आ जाएगा, 44 माइनस 12, तो ये आ जाएगा 32, कितना आ गया दोस्तों, 32 आ गया। अब आपको पता है कि A10 बराबर क्या रख सकते हैं अपन, A10 बराबर रख सकते हैं अपन A1 प्लस 9D रख सकते हैं दोस्तों, तो मैं A1 प्लस 9D इक्वल टू रख दिया मैंने 32। अब ये हो जाएगी समीकरण नंबर 6। अब देखो समीकरण नंबर 6 में से यदि मैं 5 को घटा दूंगा तो आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पर मैं रखता हूँ समीकरण नंबर 5, A1 प्लस 5D इक्वल टू 12, इसमें से इसको घटाऊंगा तो क्या बचेगा, A1 में से A1 गया तो 0, 9D में से 5D जाएगा, इन सब के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, नीचे वाले समीकरण के, तो 9D में से 5D जाएगा तो 4D, 4D इक्वल टू 32 माइनस 12 हो जाएगा 20, तो यहाँ से D बराबर 5। अब अपने को मिल चुका है सार्वांतर, ठीक है, सार्वांतर मिल चुका है। तो यहाँ से देखो A6 बराबर कितना दे रखा है अपने को, 12 दे रखा है, तो फिर से अपन समीकरण नंबर 5 से समीकरण नंबर 5 से क्या हो जाएगा, A1 प्लस 5 इंटू D के स्थान पर 5 रखेंगे इक्वल टू कितना है, 12, A1 इक्वल टू ये 25, 5 गुणा 5 25 हो जाएगा, 25 को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो 12 माइनस 25 इक्वल टू माइनस का 13, तो
अपने को A1 मतलब प्रथम पद मिल चुका है अपने को। अब अपने को प्रथम तीन पद निकालने हैं, तो अगला पद क्या हो जाएगा दोस्तों, A2 बराबर A1 प्लस D। तो A1 कितना है माइनस का 13 प्लस D कितना है 5 है, 13 5 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 8। A3 तीसरा पद क्या हो जाएगा A2 प्लस D, तो A2 कितना है माइनस का 8 प्लस D कितना है 5, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 3। इस प्रकार से यदि अपने को क्वेश्चन में आगे भी कोई पद ज्ञात करने के लिए कहा होता तो अपन आसानी से निकाल लेते। तो समांतर श्रेणी कितनी मिली अपने को, समांतर श्रेणी मिली दोस्तों अपने को माइनस का 13 माइनस 8 माइनस 3, इस प्रकार से आगे बढ़ रही है। आई होप ये चीज़ आपके समझ आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। चलिए अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, यहाँ पर सुबह ने 1995 में 5000 रुपये मासिक वेतन से कार्य प्रारंभ किया। प्रत्येक वर्ष 200 रुपये वेतन वृद्धि होती है, तो कितने वर्षों में वेतन 7000 रुपये होगा। तो बेसिकली अपने को इस चीज़ में क्या दे रखा है, स्टार्टिंग में वेतन कितना था 5000, तो इसको मानेंगे अपन A1 मतलब 5000 रुपये है कोई समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद। इसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष मतलब एक वर्ष बाद में वेतन में कितने रुपए बढ़ जाते हैं 200 रुपये, फिर अगले दो एक वर्ष पश्चात 200 रुपये फिर से बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर इसको अपन क्या मान सकते हैं दोस्तों, डी मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा सारवंतर, सारवंतर बराबर 200 रुपये। अब अपने को क्वेश्चन क्या दे रखा है कि कितने वर्षों में वेतन 7000 रुपये होगा, तो मतलब क्वेश्चन दे रखा है अपने को एनवा पद कितना है 7000 रुपये। अब अपने को तीन चीजें मिल चुकी है, क्या मिल चुका है A1 मतलब 5000 रुपये, D सारवंतर मिल चुका है, एनवा पद मिल चुका है। तो यहाँ से अपने को एक फॉर्मूला याद आता है, वो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, A1 AN बराबर होता है A1 प्लस N माइनस 1 D। अब इस फॉर्मूले में यदि अपने को सारवंतर ज्ञात है, प्रथम पद ज्ञात है और एनवा पद ज्ञात है, तो ज्ञात क्या करना है N क्या होगा कितने वर्ष में, मतलब कितने वर्षों में वेतन कितना हो जाएगा 7000, तो ये ज्ञात हो जाएगा इस फॉर्मूले से। तो जैसे जैसा फॉर्मूला दे रखा है वैसे वैसे अपन मान रखते हैं। तो AN बराबर रखेंगे अपन 7000 इक्वल टू A1 कितना है 5000 प्लस N माइनस 1 D के स्थान पर रखेंगे अपन 200। अब ये क्या करेंगे, 5000 है इधर, इनका कुछ काम नहीं है तो इनको 7000 की तरफ भेजेंगे। तो 200 N माइनस 1 इक्वल टू 7000 माइनस 5000, 7 में से 5 गया था तो कितना बचेगा दोस्तों 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2000 इक्वल टू 200 N माइनस 1, ये 200 इधर कुछ काम नहीं है दूसरी तरफ भेजेंगे। तो N माइनस 1 इक्वल टू 2000 बटे में 200, 20 से 20 गया, 2 का भाग बीच में देंगे कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा, तो N माइनस 1 इक्वल टू 10, तो N इक्वल टू 11, ये 1 उधर जाएगा तो 10 में 8 हो जाएगा, तो 10 और 1 11 हो जाएगा। तो N बराबर कितना मिला अपने को 11 मिला, मतलब 11 वर्षों में वेतन 7000 रुपये पर मासिक होगा। कितने वर्षों में होगा दोस्तों 7000, 11 वर्षों के अंदर। आई होप की ये चीज़ आपके समझ आई होगी। चलो अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। प्रश्नावली 5.2 का आखिरी क्वेश्चन है यहाँ पर। रामकली ने किसी सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और अपनी बचत में 17.5 रुपये प्रति सप्ताह बढ़ाती गई। यदि एनवे सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.5 रुपये है, तो एन का मान क्या होगा। तो यहाँ पर भी कुछ दे रखा है अपने को, तो प्रथम सप्ताह का मतलब वो मान लेंगे अपन A1 इक्वल टू कितना है 50 रुपये। इसके बाद में वो कह रहा है आगे कि वो 17.5 रुपये प्रति सप्ताह बढ़ाती गई, मतलब यानी कि एक सप्ताह कंप्लीट हुआ तो 50 रुपये में 17.5 रुपये अधिक ऐड कर दिया। तो इस प्रकार से वो 17.5 रुपये प्रत्येक सप्ताह के अंदर अधिक जोड़ती जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा सारवंतर क्या होता है डी होता है इक्वल टू 17.5 रुपये। चलो यहाँ तक की कहानी आपके समझ आ गई होगी। अब कहानी में ट्विस्ट आता है कि एनवे सप्ताह के अंदर आता है कि 207.5 रुपये हो जाता है। एनवे सप्ताह में बचत,
इस हफ्ते में बचत कितनी हो जाएगी, 207.5, जो कि है ए एन। अब अपने को दे रखा है ए वन दे रखा है, सार्वंतर है और एन वा पद है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला कहेंगे अपन, चूंकि भाई साहब ए एन इक्वल टू होता है ए वन प्लस एन माइनस वन, ये फॉर्मूला है भाई साहब। आई होप कि ये चीज तो आपके समझ आ गई होगी। चलो अब ए एन बराबर दे रखा है 207.5, तो ए वन प्लस एन माइनस वन डी, तो ए वन के स्थान पर रखेंगे अपन 50, प्लस एन के स्थान कुछ नहीं है एन माइनस वन, डी के स्थान पर 17.5 इक्वल टू 207.5। ये 50 को भगाएंगे दूसरी तरफ, तो 17.5 एन माइनस वन इक्वल टू 207 माइनस 50, 207.5 माइनस 50। अब यहाँ से यह जाएगा 207.5 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर 7.5, 157.5 इक्वल टू 17.5 एन माइनस वन इक्वल टू 157.5। अब यहाँ देखो आप एन माइनस वन इक्वल टू, ये 17.5 इधर मल्टीप्लाई के अंदर है, इनको भगा कर मैं दूसरी तरफ भेजूंगा तो डिवाइड के अंदर जाएंगे, तो 157.5 डिवाइड बाई 17.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से 10 कैंसिल आउट, किससे कटेगा एन माइनस वन इक्वल टू, ये किससे कटेगा 200 नीचे वाला 5 से कटेगा, 25 के 50 25 सात 175, 25 से कटेंगे 25 सात 175, 25 की 150, 75 एन माइनस वन इक्वल टू 7 एकम 7 7 9 63, तो एन माइनस वन इक्वल टू 9, तो यहाँ से एन बराबर 9 प्लस 1 बराबर, तो मतलब उसका जो बचत है 207.5 रुपये हो जाती है nवें सप्ताह के अंदर, तो उस n का मान है 10, मतलब 10वें सप्ताह के अंदर रामकली का वेतन हो जाएगा, मतलब उसकी बचत हो जाएगी दोस्तों 207.5 रुपये। आई होप कि ये चीज़ आपके समझ आ गई होगी, यदि ये चीज़ आपके समझ आ गई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।